गुड मॉर्निंग, वेलकम टू एजुके5। आज के क्लास में हम जानेंगे एक न्यू टेक्निक का मैथ, जो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और सॉल्व करना थोड़ा टफ है। प्रश्न है, ए स्पाइरल इज मेड ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कुल्स विथ सेंटर्स अल्टरनेटली एट ए एंड बी। स्टार्टिंग विथ सेंटर एट ए ऑफ रेडी 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर डॉट डॉट एज शोन इन द फिगर। ये फिगर है, ये फिगर थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है क्योंकि हाथ का बना हुआ है, कोई बात नहीं। व्हाट इज द टोटल लेंथ सच ए स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्किल्स। इसका मतलब ये है कि ये सेमी सर्कल जो बन रहा है तो ये 13 सेमी सर्किल है, और टोटल की जैसे इसकी लंबाई यहाँ से यहाँ तक हुई, इसकी लंबाई यहाँ से लेकर के यहाँ तक हुई, इसी तरह से 13 सेमी सर्किल्स हैं, उसका योग ज्ञात करना है कि कितना होगा। और इसमें खास बात यह है कि ए सेंटर है, बी सेंटर है, ये ए से 5 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर दूरी से ये स्टार्ट होता है, फिर इस ये बी से लेके यहाँ तक, इसको मान लेते हैं कि ये सी है, सपोज ये आपका सी हो गया और ये डी हो गया, तो आपका इसी प्रकार ए बी बराबर 0.5 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 0.5 सेंटीमीटर, सी डी बराबर 0.5 सेंटीमीटर, यानी दिया हुआ है कि ए बी बराबर 0.5 सेंटीमीटर, ए सी बराबर आपका 1 सेंटीमीटर, ए डी बराबर ये हो गया 1.5 सेंटीमीटर, उसी प्रकार 2 सेंटीमीटर, ऐसे चलते चलते 13 राउंड ये लगाता है 13 सेमी सर्किल का हमको। तो 13 सर्किल बनता है, और इस लाइन के ऊपर का पार्ट या ऊपर का पार्ट या नीचे का पार्ट, कोई भी सेमी सर्कल आप ले ले करके उसका उसकी लंबाई टोटल, ये स्पाइरल जो है, सेमी सर्कल जो है, इसका हमें ज्ञात करना है। प्रश्न यही है, थोड़ा है तो टिपिकल, लेकिन प्रश्न जो मैंने बताया वही है, आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ। अब आप समझिए कि इसकी लंबाई हम कैसे निकालेंगे, सम की लंबाई निकालना पड़ेगा, इसका भी, फिर ये सेकंड वाले का, फिर थर्ड वाले का, फिर फोर्थ वाले का, और इसी तरह करते करते 13 सेमी सर्किल बनेंगे, उस सारे की लंबाई निकाल कर और जोड़ करके बताना है। तो चूंकि ये लंबाई है, वो कैसे निकालेंगे, तो इसे हम जैसे लिखिए पेरीमीटर बराबर होता है 2 पाई आर होता है, और चूंकि ये आधा भाग है इसलिए इसे हम सेमी सेमी सर्कल बराबर हो जाएगा 2 पाई आर बटा 2 बराबर हो जाएगा पाई आर। ये हमारी सेमी सर्किल की लंबाई हो गई, यानी यहाँ से लेके, कहने का मतलब है कि ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक पाई आर, यानी इसका जितना रेडियस होगा, ये रेडियस हो गया ए बी, इसके लिए रेडियस हो गया ए सी, और इस सर्किल के लिए रेडियस हो गया ए डी। तो आर मीन्स रेडियस। तो आप सपोज कीजिए लेट द लेंथ ऑफ ऑल सेमी सर्कल बी L1, L2, L3, L4, डॉट 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 डॉट
L13 हो गया। मैंने ऐसा मान लिया कि सब लंबाई 13 की L1, L2, L3, L4 से डिनोट करेंगे, L13 से हम इस लेंथ को डिनोट करते हैं। नाउ अब ये L1 बराबर कितना होगा, तो L1 बराबर होगा पाई इंटू आर, बराबर पाई इंटू आर कितना है तो 0.5 है, और ये बराबर हो जाएगा आपका पाई बटा 2, क्योंकि पा इसे सॉल्व करेंगे तो 5/10 होगा और 1/2 हो जाएगा कट करके। इसी प्रकार से L2 बराबर हो जाएगा पाई, और इसका आर जो है सो 1 है, तो ये बराबर हो गया पाई, इस फॉर्म में हमें लाना है तो इसे हम 2 से गुणा करके 2 से भाग दे देते हैं, तो ये बराबर हो जाएगा 2π/2 हो गया। आप इसे अच्छी तरह समझते चलिएगा, वरना फिर गड़बड़ हो जाएगा। जहाँ नहीं समझ में आएगा आप कमेंट करके अवश्य पूछ सकते हैं। नाउ L3, ये L3 बराबर हो गया π/1.5, ये इसका रेडी है, रेडियस है, तो ये बराबर हो गया π/15/10, और 3 हो गया और ये 2 हो गया, इज इक्वल टू 3π/2। इस प्रकार से L4 हो जाएगा, L4 बराबर इज इक्वल टू π/2 × 2/2 इज इक्वल टू 4π/2। अब आप देखिए, थोड़ा सा गौर कीजिए, L1 1π/2, L2 2π/2, L3 3π/2 और L4 4π/2। इसी प्रकार से अगर हम देखें तो L13 आपका हो जाएगा 13π/2 हो गया। सब लेंथ तो निकल गया, जितना सेमी सर्कल है इस सब का लेंथ मैंने निकाल लिया, ठीक है, ऑल सेमी सर्कल्स का लेंथ हमने निकाल लिया। अब इसे टोटल लेंथ हमें निकालना है, टोटल लेंथ ऑफ सेमी सर्कल स्पाइरल इज इक्वल टू L1 + L2 + L3 + L4 + L13 हो गया। अब सबका मान पुट करते हैं, पुटिंग पुटिंग द वैल्यू ऑफ L1 L2 L3 ऐसे ही L13 बराबर हो जाएगा, L1 है π/2 + L2 है 2π/2 + L3 है 3π/2
प्लस एल फोर है, फोर पाई बाई टू, और इसी तरह से 13 पाई बाई टू, इतना हो गया मेरा टोटल लेंथ। बराबर, अब पाई बाई टू हम सब में कॉमन है तो इसे हम कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो गया 1 + 2 + 3 + 4 डॉट 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 13 हो गया। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं 1 2 3 4 ये प्लस है, प्लस 13, 1 + 2 + 3 + 4 ये है ना, 1 + 2 + 3 + 4 डॉट डॉट प्लस 13। अब ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के रूप में है और इसका अगर हम सम निकाल लेते हैं तो हमारा टोटल लेंथ मालूम हो जाएगा। तो बराबर हो गया पाई बाई टू इंटू एन बाई टू इंटू ए प्लस एल, ये डिफिनीशन लागू हो जाएगा, दिस टेंस टू पाई बाई टू इंटू एन हो गया 13 बाई टू है ना, इंटू ए कितना है 1 है, प्लस एल कितना है 13 है, ये हो गया। आगे बढ़ते हुए दिस टेंस टू पाई बाई टू इंटू 13 बाई टू इंटू 14 इज इक्वल टू पाई बाई टू इंटू 13 बाई टू इंटू 14, और ये इसको ले गया तो ये 7 बच गया, इज इक्वल टू पाई बाई टू इंटू 13 इंटू 7 इज इक्वल टू, पाई का मान होता है 22/7 बाई टू इंटू 13 इंटू 2, ये हो गया 7 इज इक्वल टू 22/2 = 7 × 13 × 7 ठीक है। अब ये 2 से ये गया तो ये 11 हो गया, और इस 7 से ये 7 चला गया, इज इक्वल टू हो गया 11 × 13। तो ये हो जाएगा 13 3 4 1 ये आएगा, तो इस प्रकार से 143 cm हो गया सेंटीमीटर। रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ सेमी सर्कल A spiral is equal to 3, ये हमारा आंसर हो गया, ये सेंटीमीटर होगा cm। तो इस प्रकार से ये मैथ का सॉल्यूशन हुआ।
अब इस मैथ को सॉल्यूशन करने के लिए बहुत कुछ समझना पड़ा, कैसे हम आगे बढ़ेंगे और क्या क्या चीज़ है जो इसमें हमें जानकारी हासिल करनी है और आगे बढ़ना है। तो इन सारी चीज़ों को समझते हुए, जानते हुए, आप जैसे जैसे सावधानीपूर्वक आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे ये मैथ सॉल्व होते चला जाएगा और लास्ट में आपको एक आंसर आएगा जो कि वही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा और वो होगा 143, यानी 143 सेंटीमीटर आंसर हो गया, सेमी सर्किल स्पाइरल का लेंथ। तो इस प्रकार से आज के मैथ को हम जान पाए हैं, सॉल्व कर पाए हैं। आज के वीडियो में बस यहीं पर, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलें तथा चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।